जैसे अगर कोई फॉरेनर भारत में टूरिज्म के रूप में आता है तो यहाँ भी कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करता है, सर्विसेस लेता है, और जो हमारे यहाँ के लोग अगर फॉरेन में जाकर रह रहे हैं वो भी वहां से जो उनका इनकम है और वहां पे अपने जो अपने परिवार के लिए यहाँ जो पैसे भेजते हैं उससे क्या होता है, हमारे जीडीपी में इंक्रीमेंट होता है, इंक्रीमेंट होता है। तो इससे हम देखते हैं कि जीडीपी अलग है और जीएनपी अलग है। ओके फ्रेंड्स, बट हम आज देखेंगे जो हमारा टॉपिक है, ठीक है, एक पॉइंट और है उसमें, सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, जिसको हम इसी चैप्टर में देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट जो है वो आपको इकोनॉमिक्स में भी है और इस ज्योग्राफी के फर्स्ट चैप्टर में भी है, ठीक है, रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट में। उसमें हम देखेंगे कि व्हाट इज द सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। सो फर्स्ट आज हम अपना चैप्टर चालू करते हैं सर, जो जीडीपी का है फुल फॉर्म क्या रिसोर्सेस है? एंड डेवलपमेंट। जीडीपी, जेडीपी नहीं, जीडीपी होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। ओके, रिपीट। आप अपना माइक म्यूट कीजिए, जस्ट म्यूट योर माइक। हम इस पे अधिक डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक्स के क्लासेस में, जीडीपी पे, वो हमारा टॉपिक भी है, चैप्टर भी है। फर्स्ट आज हम देखेंगे रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट। यू नो वेरी वेल दैट रिसोर्सेस आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, नॉट फॉर ह्यूमन बट फॉर ऑल द क्रिएचर्स। यू नो वी ऑल आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, वी नॉट इंडिपेंडेंट बट वी डिपेंडेंट टू सर्वाइव आवर लाइफ, टू डेवलप आवर लाइफ, टू डेवलप आवर कंट्री। इसी तरह अगर हम अपने डेवलपमेंट, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट की बात करें, इसी तरह अगर हम सोशल डेवलपमेंट की बात करें, तो हम सोच भी नहीं सकते हैं बिना रिसोर्सेस के। हमारे जीवन में रिसोर्सेस का सबसे बड़ा योगदान, सब बहुत बड़ा योगदान है, उसके बिना हम डेवलपमेंट नहीं कर सकते हैं, हम यहां तक कि एक स्टेप भी नहीं बढ़ा सकते हैं। तो डेवलपमेंट और रिसोर्स हमको आज क्या करना है, हम लोग को आज इसका कनेक्शन दिखना है, कनेक्शन दिखना है कि डेवलपमेंट में और रिसोर्सेस में क्या कनेक्शन है। तो फ्रेंड्स, इन क्लास 10 हमको बस यह देखना है कि उसे रिसोर्सेस जो है उसको कैसे बचाना है। इसमें सबसे ज्यादा फोकस किया गया है किस पे, तो हाउ टू कंजर्व रिसोर्स, हाउ टू प्रिजर्व रिसोर्स, नॉट फॉर द प्रेजेंट जनरेशन बट फॉर द फ्यूचर जनरेशन। इसमें फ्यूचर जनरेशन पे जोर दिया गया है और रिसोर्सेस के एबिलिटी पे ध्यान दिया गया है। ओके, तो हम इस पे ध्यान देंगे, तो यही देखेंगे इसका कनेक्शन जो है वह है सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। जो हम जानते आ रहे हैं रिसोर्सेस के डिफिनेशन, तो उसके थ्रू भी चलेंगे। जैसा कि आप जानते होंगे कि रिसोर्स, व्हाट इज रिसोर्स, रिसोर्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच फाउंड इन आवर नेचर। बट फ्रेंड्स, आई वुड लाइक टू से फर्स्ट दैट एवरीथिंग इज रिसोर्स, एवरीथिंग इज रिसोर्स विच सेटिस्फाइड आवर नीड्स, विच इज अवेलेबल इन आवर नेचर, विच हेल्प अस टू मेक अहेड, टू टेक अ स्टेप फॉरवर्ड। फ्रेंड्स, इसके बिना हम सोच भी नहीं सकते हैं कि आर्थिक वृद्धि, आर्थिक विकास, सामाजिक विकास के बारे में। इसीलिए तो कहा जाता है कि रिसोर्सेस क्या है, रिसोर्सेस है हमारी बैकबोन, हमारी आर्थिक बैकबोन, इकोनॉमिक बैकबोन, हमारे अर्थतंत्र का, आर्थिक सिस्टम का अगर बैकबोन है तो सारे रिसोर्सेस हैं। और उन सब रिसोर्सेस का यूटिलाइजेशन कौन करता है, तो उन सब सारे रिसोर्सेस का यूटिलाइजेशन हम लोग करते हैं। तो कैसे करते हैं, तो खुद हम क्या है, तो हम लोग क्या है, तो मानव रिसोर्स है, हम खुद क्या है, मानव रिसोर्स है। और मानव रिसोर्स
ही रिसोर्स से जो सारे रिसोर्स को क्या किया है, यूटिलाइज करने लायक बनाया है. फ्रेंड्स वी देम आर ए बेस्ट रिसोर्स विच यूटिलाइज एवरीथिंग विच मैक यूटिलाइज एवरीथिंग फॉर आवर डेली लाइफ. फ्रेंड्स सिंपली रिसोर्स इज डिफाइंड एज रिसोर्स इज एवरीथिंग विच प्रेजेंट इन आवर नेचर विच सेटिस्फाइड आवर नीड्स. बट वी फर्स्ट ऑफ ऑल थिंक दैट रिसोर्सेस आर नॉट अनलिमिटेड. हमको ये भी सोचना है कि रिसोर्सेस जो है ना वो अनलिमिटेड नहीं है, वो क्या है, लिमिटेड. तो इसमें आपको क्या समझ में आया, मैं यह बताने का प्रयास कर रहा हूँ. आपका बुक जो है यह बताने का प्रयास कर रहा है कि जो संसाधन है वो बिल्कुल सीमित मात्रा में, असीमित मात्रा में नहीं, और उसका हमको क्या करना है, ख्याल करना है और उसको बचाना है, नहीं प्रेजेंट जनरेशन के लिए बल्कि फ्यूचर जनरेशन के लिए. और ऐसा हमको डेवलपमेंट करना है कि डेवलपमेंट जो है ना वो सतत रहे, हमेशा के लिए रहे और हमेशा होता रहे, ठीक है. और इसी की चर्चा आप लोग करेंगे सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट में. सो फर्स्ट फ्रेंड्स आपको गांधी ने क्या कहा था, गांधी जी का भी यही कथन था कि हमारे संसाधन जो है ना असीमित नहीं है, सीमित है. और संसाधन जो है ना वो सिर्फ जरूरतों को पूरा करने के लिए नहीं कि पेट और नहीं कि पेटी भरने के लिए, ठीक है. तो ये सब कंडीशन और ये सब जो स्टेटमेंट है वो बहुत सारी बातें बताता है और यही कहता है कि हमको कंजर्व और प्रिजर्व करना पड़ेगा और उसके प्रति सोचना पड़ेगा कि कैसे हम लोग रिसोर्स को कंजर्व करें, बचाएं और उसका मिसयूज ना करें, उसको एक्सप्लॉइट ना करें अपनी लाइफ में, ओके. सो फर्स्ट फ्रेंड्स वी लेटर डिस्कस ऑन टाइप्स ऑफ रिसोर्स. तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे टाइप्स ऑफ रिसोर्स में. आप तो जानते ही होंगे कि जनरली हम लोग अभी तक रिसोर्स को पढ़ते आ रहे थे, ह्यूमन मेड रिसोर्स एंड नेचुरल रिसोर्स. ह्यूमन मेड रिसोर्स किसे बोलते हैं, ह्यूमन मेड रिसोर्स और दोज रिसोर्स विच इज मेड बाय ह्यूमन. ह्यूमन रिसोर्स वह होता है, ह्यूमन मेड रिसोर्स वो होता है जिसको मानव ने बनाया है, ठीक है. जैसे बेंच हो गया, बस हो गया, इट इज. बट नेचुरल रिसोर्स, बट नेचुरल रिसोर्स वह रिसोर्स होता है जो नेचर में पाए जाते हैं, जो प्रकृति में खुद पाए जाते हैं, वह अपने आप पाए जाते हैं बिना ह्यूमन इंटरफेरेंस के. इट मीन्स दैट नेचुरल रिसोर्सेस आर दोज रिसोर्सेस विच फाउंड इन आवर नेचर विदाउट एनी इंटरफेरेंस ऑफ ह्यूमन बींग्स. दैट इज द नेचुरल रिसोर्स. और नेचुरल रिसोर्स आप देख ही रहे हैं, सारे प्लांट्स क्या है, नेचुरल रिसोर्स है. रिवर क्या है, नेचुरल रिसोर्स है, ओके. सो फ्रेंड्स बट अकॉर्डिंग टू आवर बुक वी ट्राई टू नो दैट व्हाट अदर टाइप्स ऑफ रिसोर्स. तो हम देखेंगे सबसे पहले रिसोर्स को बांटा गया है उत्पत्ति के आधार पे. इट मीन्स दैट रिसोर्सेस विच इज based on the origin, resources on the basis of origin. Origin के आधार पे resources कितने प्रकार का होता है आपको मैं बताऊंगा. तो resources जो होते हैं ना origin के आधार पे दो होते हैं, you know, resources on the basis of origin divided into two group. That is the first abiotic, sorry, बायोटिक एंड अबायोटिक. रिसोर्सेस जो ओरिजिन के आधार पर है वो है बायोटिक रिसोर्स एंड अबायोटिक रिसोर्स. तो बायोटिक रिसोर्स क्या होता है देखिए, हम ओरिजिन के आधार पर देखिए, ओरिजिन के आधार पर और दो भागों में चले गए, एक हो गया बायोटिक रिसोर्स और बायोटिक रिसोर्स. सबसे पहले आप इसमें ए लग गया है, इसमें बायोटिक जो है, बायोटिक है लिविंग थिंग्स है
for non-living जनरल देख सकते हैं फ्लोरा एंड फौना, ऑल दी फ्लोरा एंड फौना यहां पे देखेंगे, बायोटिक दिख रहा है फ्लोरा एंड फौना, ये है रिसोर्सेस ऑन दिस फॉर ओरिजिन। प्लांट किंगडम, तो ये हम देख रहे हैं बायोटिक में दो चीजें फ्लोरा एंड फौना, तो फौना में हम खुद आते हैं क्या, कौन आते हैं एनिमल बींग्स, जितने भी एनिमल ह्यूमन बींग्स हैं एनिमल्स तो इसमें आते हैं, तो फौना में आते हैं फ्लोरा में, तो सारे प्लांट्स सारे पेड़ पौधे किसमें आते हैं, वो आते हैं फौना में, जो कह रहा है बायोटिक का एक ग्रुप है, ठीक है बायोटिक में दो ग्रुप है फ्लोरा एंड फौना, ठीक है तो ये क्या हो गया आपको लिविंग बींग्स, ओके, और ये हो गया आपका नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स क्या है, ओके माउंटेन इट इज, ये सब क्या है नॉन लिविंग थिंग है, तो ये ऑफ बायोटिक रिसोर्स हो गया, ठीक है बायोटिक रिसोर्स एंड ऑफ बायोटिक रिसोर्स। लिटिल हिस्ट्री होगा यश्विनी, हिस्ट्री होगा आपको शेड्यूल बताया जाएगा आपको कि हिस्ट्री कब होगा, लेटर वी सी रिसोर्सेस ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, आपको मालूम होगा कि एग्जॉस्टिबिलिटी मतलब क्या होता है, उसके उपयोगिता के आधार पे उसके समाप्ति के आधार पे कोई रिसोर्स कितने समय तक टिका रहता है उसके आधार पे भी हम क्या देते हैं रिसोर्सेस को बांट सकते हैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी रिसोर्सेस कैन बी डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप, ओके, तो फर्स्ट हम देखेंगे रिन्यूएबल रिसोर्स एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, एक रिसोर्स कौन सा होता है रिन्यूएबल रिसोर्स और दूसरा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम जानेंगे कि रिन्यूएबल रिसोर्स होता क्या है, रिन्यूएबल रिसोर्स का मतलब क्या होता है बताइए, जैसे कि आप टर्म देख रहे हैं आप इसके वर्ड देख रहे हैं तो समझ में आ रहा होगा कि रिन्यूएबल जिसको हम फिर से रिन्यू कर दें वो क्या हो गया रिन्यूएबल रिसोर्स हो गया, it means that renewable resources are those resources which utilized after the use that is the renewable resource, kaise hum kisko bolenge renewable resource, to hum sabse pehle aapko batate hain ki jo water hota hai na wo renewable resource hai, jo water hai wo renewable resource hai, kyun kyunki hum dekhte hain na कि पानी को फिल्टर करके उसको पीने लायक बना देते हैं, जो पॉल्यूटेड वाटर होते हैं उसको भी क्या कहते हैं हम लोग फिल्टर करते हैं बाय मैकेनिकल प्रोसेस हम उसको क्या करते हैं पीने लायक बना देते हैं, तो वो हमारे क्या फिर से काम में आ जाते हैं, तो क्या कहलाते हैं रिन्यूएबल रिसोर्स, तो ये रिन्यूएबल रिसोर्स आपको हो गया उसको, हाँ रिप्रोड्यूस आस्था से हम उसको प्यूरिफाई कर देते हैं तो क्या हो गया रिन्यूएबल रिसोर्स हो गया, तो यह हमारा बेनिफिट है, यह हमारा हम इसको समझ सकते हैं कि रिन्यूएबल का मतलब क्या हुआ जिसको हम फिर से यूज कर लें रिन्यूएबल, ठीक है नेक्स्ट हम देखते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स जो हमारा टॉपिक है, जो हमारा सेकेंड इसका भाग है रिसोर्सेस ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, तो सेकेंड जो पार्ट है वह है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स का मतलब होता है जिसको हम फिर से रिप्रोड्यूस ना कर सके, जिसको हम फिर से यूटिलाइज ना कर सके उसको हम लोग क्या बोलते हैं बताइए, उसको हम लोग बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, ऐसा क्या है तो हम देखते हैं फॉसिल फ्यूल्स हैं,
जो जैविक ईंधन है वह क्या है, तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस उसको बोलते हैं व्हेन नॉन रिन्यूएबल, व्हेन वी कैन यूटिलाइज वन टाइम देन यू कैन नॉट यूटिलाइज इन सेकेंड टाइम। अगर तुम आप इसको क्या करते हो कि एक बार उपयोग करते हो तो दूसरा बार उपयोग नहीं कर सकते हो, इसको क्या बोलते हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस आर दोज रिसोर्स व्हिच कैन नॉट बी रीयूटिलाइज्ड एंड रीयूज एंड रिप्रोड्यूस आफ्टर द यूज, दैट इज द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स का सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या है, तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स में क्या क्या आते हैं फ्रेंड्स, फॉसिल फ्यूल्स में आते हैं आपके पेट्रोलियम। पेट्रोलियम, पेट्रोलियम से क्या क्या बनता है आपको मालूम है, डीजल बनता है, फॉसिल बनता है। तो ये सब जो ईंधन है ये सब क्या है, फॉसिल फ्यूल्स है। और इसका एक बार यूटिलाइज करने के बाद, एक बार यूज करने के बाद फिर हम सेकेंड टाइम इसका यूज नहीं कर पाते, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। नेक्स्ट ट्रेंड वी सी लेटर रिसोर्सेस ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। आपको मालूम होगा कि ऑनरशिप के आधार पे रिसोर्सेस को कितने भागों में लेटर बांटा गया, मैं आपको बताऊंगा अभी जस्ट पूरा कि ऑनरशिप के आधार पे प्रेसी पांडे यस फोर टाइप गुड गुड चार भागों में बांटा गया है। मैं आपको बताऊंगा कि ऑनरशिप के आधार पे जो रिसोर्सेस है उसको चार भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला क्या है, जिसको हम पहले को कैसे डिनोट करते हैं, तो इंडिविजुअल टाइप्स ऑफ रिसोर्स। इंडिविजुअल रिसोर्स फर्स्ट हो गया, इंडिविजुअल रिसोर्स दूसरा हो गया, कम्युनिटी रिसोर्स जिसपे कम्युनिटी का प्रभुत्व रहता है, फिर तीसरा हो गया नेशनल रिसोर्स, और चौथा हो गया इंटरनेशनल रिसोर्स। तो ये हमारे रिसोर्सेस क्या है, किसके आधार पे, तो ऑनरशिप के आधार पे हमारे पास चार रिसोर्सेस। किशन सोनी गुड यू आर राइट, तो चार हो गए हमारे। तो हम सबसे पहले एक एक करके सबको देखेंगे, एक एक करके हम सबको देखेंगे और एनालाइज करेंगे, ठीक है। और आपको क्या करना है फ्रेंड्स, आपको मैं बता देता हूं, आपको एक लिस्ट बनानी है, आपको एक लिस्ट बनानी है। देखिए आप ऑनलाइन है लेकिन आपके पास बुक भी होना चाहिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास बुक है, अच्छी बात है, बुक रखिए अपने पास, नोटबुक रखिए, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो डाउट है उसको लिख लीजिए उसी समय, ठीक है। तो इससे क्या होता है क्लैरिटी कुछ अधिक बढ़ जाती है। तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे, इंडिविजुअल रिसोर्स। और मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि इंडिविजुअल रिसोर्स में जितने भी रिसोर्स हैं आप उसका एक लिस्ट बनाइए, लिस्ट बनाइए उसको पहले नोटबुक में लिखिएगा, ये आपका होमवर्क भी रहेगा और मुझे व्हाट्सएप भी कीजिएगा। तो सबसे पहले बताऊंगा कि इंडिविजुअल रिसोर्स इज दोज टाइप ऑफ रिसोर्स विच ऑन्ड बाई एन इंडिविजुअल, which is controlled by an individual, that is the individual resource. Individual resources का मतलब क्या होता है, जो व्यक्तिगत होता है, एक व्यक्ति का खुद का होता है resource, वो होता है individual resource. इसपे किसी और का स्वामित्व और किसी और का प्रभाव और कंट्रोल नहीं रहता, ठीक है। और ये क्या हो गया आपका इंडिविजुअल रिसोर्स, और इंडिविजुअल रिसोर्स का मतलब होता है व्यक्ति के खुद का। जैसे हम देखते हैं प्राइवेट प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टी किस में आता है, या अहमद पटेल ऑन्ड बाई ए पर्सन, ऑन्ड बाई ए बाई एन इंडिविजुअल। प्राइवेट प्रॉपर्टी क्या है, तो प्राइवेट प्रॉपर्टी एक व्यक्ति का पॉन्ड है, वाटर इंडिविजुअल्स है, तो ये सब क्या है, तो ये उनका खुद का प्रॉपर्टी है, ठीक है। पेस्टर, हाँ पेस्टर लिफ्ट है, खुद का होता है पॉन्ड भी है। तो ये इंडिविजुअल रिसोर्सेस के कुछ एग्जाम्पल्स है आपके, ठीक है। किशन सोनी या क्लॉथ, हाउस, फोन, लैपटॉप, या इट्स ऑल, दीज ऑल आर द इंडिविजुअल रिसोर्स। बट वी सी नेक्स्ट नेक्स्ट रिसोर्स, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स, दैट इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स, उसका नाम है क्या, कम्युनिटी रिसोर्स।
तो फ्रेंड्स अभी हम देखे इंडिविजुअल रिसोर्स जो अपना खुद का था, अब हम देखने जा रहे हैं कम्युनिटी रिसोर्स। कम्युनिटी का जैसे ही आप मतलब खोजते हैं वैसे ही समझ जाते हैं कि कम्युनिटी रिसोर्स होता क्या। कम्युनिटी रिसोर्स का मतलब होता है जिसपे कम्युनिटी का कंट्रोल, किसी एक व्यक्ति का कंट्रोल न होता है, उसके भाव नहीं होता है, एक व्यक्ति का स्वामित्व नहीं होता है, वह क्या होता है कम्युनिटी का होता है, तो कम्युनिटी रिसोर्स हो गया। कम्युनिटी रिसोर्स मीन्स कम्युनिटी रिसोर्स आर दोज टाइप्स ऑफ रिसोर्स विच कंट्रोल्ड बाय अ कम्युनिटी एंड विच इज मेड फॉर द कम्युनिटी। तो एक कम्युनिटी पर्पस के लिए होता है, जैसे आस्था सिंह, हाँ पब्लिक पार्क है वो क्या हो गए कम्युनिटी रिसोर्स हो गए, विलेज पॉन्ड्स जो हो गए वो कम्युनिटी रिसोर्स हो गए, पब्लिक प्लेस ये भी कम्युनिटी रिसोर्स हो गए, वहां पे कोई भी जा सकता है, या प्ले ग्राउंड अहमद इकबाल प्ले ग्राउंड एक्स पार्क पिकनिक स्पॉट्स ये सब क्या है, वहां पे कम्युनिटी के लिए होता है, किसी व्यक्ति के लिए नहीं होता है, सब लोग जा सकते हैं प्ले ग्राउंड में, सारे बच्चे प्ले ग्राउंड में खेलते हैं, वो किसी एक व्यक्ति का नहीं होता है। तो ये सब कुछ एग्जाम्पल्स किया आपके वो कम्युनिटी रिसोर्स के। अब हम आगे देखेंगे, आगे हम देखेंगे कि नेशनल रिसोर्स क्या होता है। नेशनल रिसोर्स क्या होता है जनरली फ्रेंड्स, टेक्निकली ऑल द रिसोर्स बिलोंग टू द नेशनल रिसोर्स विच कम अंडर द टेरिटोरी ऑफ इंडिया, जो भारत के टेरिटोरी के अंदर है वो सब क्या है, कौन सा रिसोर्स है, वो सारे हमारे नेशनल रिसोर्स है। ठीक है, तो नेशनल रिसोर्स में जितने भी संसाधन, चाहे फॉरेस्ट हो, कैनल्स हो, रेलवे हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, बसेस हो, सब चीज, माउंटेन्स, रिवर, फॉरेस्ट, एवरीथिंग विच कम अंडर इंडियन टेरिटोरी इज कॉल्ड नेशनल रिसोर्स। बट वन थिंग फ्रेंड्स नीडेड टू सजेस्ट दैट कुछ रिसोर्सेस इसके अलावा भी हैं, जैसे मैं आपको बताऊंगा कि भारत के तटीय सीमा से, भारत के तटीय सीमा से व्हेन वी गो फ्रॉम द कोस्ट ऑफ From Indian coast to 12 nautical miles, 12 nautical mile, miles, वहां तक 12 nautical miles तक भारत का ही क्या है और उसको हम क्या मानते हैं, नेशनल रिसोर्स मानते हैं। ठीक है, 12 nautical miles, 22 नो आस्था सिंह, 12 nautical miles, you can see 12 nautical miles equal to 22.2 किलोमीटर, या इट्स अराउंड। तो ये क्या हो गया आपके नेशनल रिसोर्स हो गए। अब हम जो डिस्कस करेंगे या योर आंसर इज एब्सोल्युटली राइट अहमद इकबाल, बट वी सी लेटर एंड अदर रिसोर्सेस which is on the basis of ownership, तो international resource भी होता है। देखिए resource, community resource और national resource के अलावे क्या होते हैं, international resource भी हैं। और international resource को हम लोग कैसे define करेंगे, तो देखिए the oceanic resource beyond, the oceanic resource beyond 200 nautical miles, या किशन सोनी, जो ओशनिक जो इंटरनेशनल रिसोर्स है वो हमारे कोस्ट से, जो हमारे 12 नॉटिकल माइल्स से उसके आगे है, 200 नॉटिकल माइल्स के आगे जो भी रिसोर्सेस आते हैं वो क्या किसके अंदर आते हैं, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंतर्गत आते हैं, वो किसका है, तो इंटरनेशनल रिसोर्सेस कहलाते हैं, और वो क्या है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन भी कहलाते हैं। या गुड, नेक्स्ट फ्रेंड्स वी सी
resources on the basis of status of development. You all are ready for next topic? Okay. Next, we see resources on the basis of status of development. Status of development. स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के आधार पर रिसोर्सेस को हम और चार भागों में बांटते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो सबसे पहला जो भाग है, जो सबसे पहला पार्ट है, वो है पोटेंशियल रिसोर्सेस। हम पोटेंशियल के आधार पर रिसोर्सेस को डिवाइड करते हैं, देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे पोटेंशियलिटी क्या होता है, यानी देखिए रिसोर्सेस वह रिसोर्स जिसके पास क्या है, पोटेंशियलिटी है, रिसोर्सेस है, लेकिन उसका क्या है, एक्चुअली हम लोग यूटिलाइज नहीं कर पाते, यूटिलाइज नहीं कर पाते ड्यू टू लैक ऑफ टेक्नोलॉजी एंड ड्यू टू लैक ऑफ क्या यार सुधीर, पोटेंशियल रिसोर्सेस, डेवलप्ड स्टॉक, यार पोटेंशियल रिसोर्सेस है, डेवलप्ड रिसोर्सेस है, स्टॉक है, रिजर्व है, तो हम लोग के पास क्या नहीं, देखिए पोटेंशियलिटी तो है लेकिन हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं, रिसोर्सेस विच आर फाउंड इन आवर रीजन बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज्ड, जैसे वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया, जैसे राजस्थान में भी है, गुजरात में भी है, वहां पे बहुत बड़ी संभावना है सोलर एनर्जी की, लेकिन हमारे पास उतनी टेक्नोलॉजी नहीं है कि उसका हम अभी सही से उपयोग, अधिक मात्रा में उपयोग कर सके, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम डेवलप्ड रिसोर्स, डेवलप्ड रिसोर्स क्या होता है, देखिए डेवलप्ड रिसोर्स का मतलब होता है, देखिए डेवलप्ड रिसोर्स वह रिसोर्स है जो किस पे डिपेंड होता है, टेक्नोलॉजी पे, और बिना टेक्नोलॉजी के रिसोर्सेस डेवलप होंगे ही नहीं, ठीक है। तो ये आपके क्या हो गए, डेवलप्ड रिसोर्स हो गए। नेक्स्ट जो हम थर्ड है वह देखेंगे स्टॉक, स्टॉक रिसोर्स, हमारे पास स्टॉक तो है, स्टॉक का मतलब होता है कि आपके पास कितनी मात्रा में कितने संसाधन हैं, ठीक है, वो क्या हो गया आपके स्टॉक रिसोर्स है। वी हैव स्टॉक बट नॉट टेक्नोलॉजी, हम कह सकते हैं कि हमारे पास तो स्टॉक है लेकिन हम उसका हमारे पॉपुलेशन के पॉपुलेशन को फीड करने के लिए हम उसका यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, स्टॉक तो बहुत सारे हैं लेकिन टेक्नोलॉजी की क्या है, अभी भी कमी है, और ड्यू टू लैक ऑफ टेक्नोलॉजी वी कैन नॉट यूटिलाइज आवर स्टॉक रिसोर्सेस प्रॉपरली, ओके। देन यू सी रिजर्व रिसोर्स, क्या होता है रिजर्व रिसोर्स, रिसोर्सेस जो रिजर्व करके रखा जाता है, रिजर्व रिसोर्सेस आर द सबसेट ऑफ द स्टॉक, वो स्टॉक का ही क्या है एक सबसेट ग्रुप है, वो स्टॉक का ही क्या है एक ग्रुप है, जैसे हमारे पास रिवर है, रिवर है, तो रिवर को हम लोग देखते हैं कि रिवर पे भी कहीं कहीं डैम बनता है, और वाटर है तो वाटर को हम लोग क्या करते हैं, वाटर का हम लोग के पास संभावना है कि हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, उसका हम विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में और डाइवर्स फील्ड में उसका उपयोग कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास अभी उतनी पोटेंशियलिटी और टेक्नोलॉजी न होने के कारण वाटर रिसोर्स को सिर्फ अभी किस रूप में उपयोग करते हैं, टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, ओके, और फॉर इरिगेशन पर्पस। तो ये सब संभावनाएं हैं, आगे हम देखेंगे फ्रेंड्स डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स आखिर जो हमारा टॉपिक है, जो हमारा टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स। तो फ्रेंड्स डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स किस पे डिपेंड करता है, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स डिपेंड करता है तीन चीज पे, और वह क्या है, सबसे पहले हम लोग अगर डेवलप करना है रिसोर्स को तो हम सबसे पहले उसको क्या करेंगे, कंजर्व करेंगे, पहले क्या करेंगे उसको कंजर्व करेंगे और प्लानिंग बनाएंगे। सबसे पहला तरीका अगर हमको डेवलप करना है, उसको कंजर्व करना है, तो टेक्नोलॉजी होना चाहिए, गुड, सपोज टेक्नोलॉजी रियल इंडियल टेक्नोलॉजी होना बहुत जरूरी है,
डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज के लिए टेक्नोलॉजी होना बहुत जरूरी है, इंस्टीट्यूशंस का होना बहुत जरूरी है, अच्छे पॉलिसी का बनना बहुत जरूरी है, और प्लानिंग चाहिए, प्रॉपर प्लानिंग होना बहुत जरूरी है, तब जाकर क्या कर सकते हैं, रिसोर्स डेवलप हो सकता है, डेवलपमेंट के बारे में सोच सकते हैं। और अलग बात तो ये कि हमको सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट के बारे में सोचना पड़ेगा कि सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट होता क्या है। देखिए डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स, सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट के बारे में भी बात करते हैं, तो सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट क्या है, थोड़ा मैं आपका टाइम दूंगा इसके, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट जो है वो किस चीज की बात करता है, क्या बात करता है, क्या बोलता है। देखिए आपको ये टॉपिक इकोनॉमिक्स में भी मिले होंगे और आपको ये इम्पोर्टेंट भी है, सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट जो है यह एक्चुअली कनेक्टेड किससे है, तो ग्लोबल वार्मिंग से है, क्लाइमेट चेंज से है, ग्रीन हाउस गैसेस से है, ओजोन लेयर से है, और डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज से है। तो इसीलिए हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, तो सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। फ्रेंड्स सबसे पहले आप सोचिए कि अगर हम सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट की बात ना करें, देखिए इसको बोलते हैं हम सतत विकास, सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, सस्टेन, ये सस्टेन सबसे बड़ा, सस्टेन मतलब होता है बने रहना, बने रहना, अपनी पोजिशन पे बने रहना, अपनी स्थिति में बने रहना, उसको क्या बोलते हैं सस्टेनेबिलिटी, ठीक है, उसी से बना है सस्टेनेबिलिटी। तो यानी इसका मतलब यह है कि संसाधन जो है हमारे वह बने रहे हमेशा, यह अलग तरीके की विकास की बात करता है। सस्टेनेबिलिटी सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है यह अलग तरीके के विकास की बात करता है, यानी वह विकास करता है कि कैसा विकास हो, तो विदाउट डैमेजिंग द एनवायरमेंट, हमको विकास भी करना है और हमारे एनवायरमेंट को भी बचाना। देखिए यहाँ पे दो कंसेप्ट आए कि हमको डेवलपमेंट भी करना है और हम हमारे एनवायरमेंट को भी बचाना, लेकिन आपको प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट का सोच रहे होंगे और देख भी रहे होंगे कि बहुत सारे कंट्री ऐसे हैं जैसे चाइना ही है, अमेरिका ही है, जो डेवलपमेंट के पीछे भाग रहा है, उसको सिर्फ डेवलपमेंट ही चाहिए, लेकिन उसको यह परवाह नहीं है कि हमारे एनवायरमेंट और अर्थ पे क्या उसका असर पड़ेगा। कैसे, क्योंकि उसके यहाँ पे बहुत सारे कंपनी फैक्ट्री है और वहां पे इंडस्ट्री है, जिसकी वजह से क्या होता है, पॉल्यूशन की मात्रा बढ़ती जाती है, और पॉल्यूशन बढ़ने के बाद क्या होता है, वो डेवलपमेंट के कारण, डेवलपमेंट के चलते क्या करता है, सारे पेड़ पौधे की कटाई, डिफोरेस्टेशन होता है, और डिफोरेस्टेशन से क्या होगा, CO2 की मात्रा बढ़ेगी, और CO2 की मात्रा बढ़ेगी तो क्या होगा, ओजोन लेयर का जो लेवल है होल वो छिद्र हो जाएगा। तो इससे ये सब एक्चुअली क्या है, स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम हम कह सकते हैं कि सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट के बारे में अगर नहीं सोचा जाए तो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। इसीलिए हम बात करते हैं सतत विकास की, और सतत विकास की बात नहीं करेंगे, नहीं नहीं देखिए चाइना की बात किया तो चाइना के बारे में ये बता रहा था कि उसको सिर्फ डेवलपमेंट चाहिए, अमेरिका सिर्फ डेवलपमेंट चाहिए। अभी देखिए ना पेरिस कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ, पेरिस कॉन्फ्रेंस में अमेरिका, भारत ने अपनी प्रतिबद्धता दिखाई कि हम प्रतिबद्ध हैं एनवायरमेंट को सेव करने के लिए, कार्बन को बचाने के लिए, लेकिन कुछ कंट्री थे जैसे अमेरिका था, उसने क्या किया, अपना हाथ पीछे खींच लिया, बोला कि नहीं हम पेरिस कॉन्फ्रेंस के लिए प्रतिबद्ध नहीं, बात कर रहा था पेरिस कॉन्फ्रेंस में यही बताया जा रहा था, चाहे आपका रियो डी जेनेरियो सम्मेलन हो, एजेंडा 21 हो, इन सबका मकसद यही था कि कैसे रिसोर्स को बचाया जाए, रिसोर्स को कैसे सस्टेन किया जाए, यही हमारा सतत विकास है, ठीक है। सतत विकास वह विकास है जो वर्तमान के विकास को मद्देनजर रखते हुए आने वाली पीढ़ी को भी वही लाभ मिले, वही विकास मिले, उसी की बात करता है हमारा सतत विकास। इट मीन्स दैट सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ डेवलपमेंट विच टॉक्स अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स विच ऑल्सो मेक्स द प्रेजेंट जनरेशन विथ फ्यूचर जनरेशन विच मे बी फ्यूचर विच कैन बी फ्यूचर फॉर द फ्यूचर जनरेशन विदाउट डैमेजिंग द एनवायरमेंट, दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और यही सस्टेनेबल डेवलपमेंट है हमारा, ठीक है फ्रेंड। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का सबसे पहले विचार कहाँ पे आया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का विचार जो है वह आया है ब्रुंटलैंड
कॉन्फ्रेंस जो 1987 में हुआ था, ब्रुंटलैंड कॉन्फ्रेंस में सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की गई थी। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में सबसे पहले यही बात की गई थी कि हमको रिसोर्सेज को एक्सप्लॉयट नहीं करना, ठीक है, और एक्सप्लॉयट नहीं करने, देखिए एक्सप्लॉयटेशन क्या होता है, हमारे रिसोर्सेज को खत्म कर देता है। आपको मालूम है कि रिसोर्सेज कितने हैं, लिमिटेड है, ठीक है, इसलिए हमको एक्सप्लॉयटेशन से बचना होगा और उसके ओवर यूज से बचना होगा, मिस यूज नहीं करेंगे हम लोग। तो यही किसकी बात करता है, सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट की बात करता है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताऊंगा कि डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स, ये तो हो गया हमारा टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। ऋचा भारती या 1992 ऑफ यूएनसीडी, बहुत सारे कॉन्फ्रेंस हुए थे, एजेंडा 21 है, अर्थ समिट है, पेरिस कॉन्फ्रेंस है, रियो डी जेनेरियो कॉन्फ्रेंस है, ये सब सारे कॉन्फ्रेंस किस पे हुए थे, सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट पे हुए थे। सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट किससे जुड़ा हुआ है, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स से जुड़ा हुआ है, ओके। तो नेक्स्ट जो है वह है रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया, रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया, रिसोर्स प्लानिंग इंडिया। देखिए प्लानिंग क्यों करते हैं, रिसोर्स प्लानिंग क्यों करते हैं, तो रिसोर्स प्लानिंग का मकसद होता है कि हम लोग रिसोर्स प्लानिंग का मकसद होता है कि हम लोग रिसोर्स प्लानिंग करते हैं फ्यूचर जनरेशन के लिए, अपने सस्टेनेबिलिटी के लिए। देखिए एजेंडा 21 का ऑब्जेक्टिव यही था कि कैसे अर्थ को सेव किया जाए, अर्थ को सेव करने का पीछे यह बात थी कि कैसे हम लोग सस्टेनेबिलिटी और डेवलपमेंट और कैसे जो हमारे रिसोर्सेज है उसको कंजर्व किया जाए, ठीक है, जिससे हमारी पृथ्वी बच जाए, ठीक है। तो यह था एजेंडा 21। देखिए रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया दो तरीके से होता है, तो एक तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसोर्स करेंगे, और उसके बाद प्लानिंग स्ट्रक्चर है ये आपके हो गए, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स, आप सबको मालूम होगा कि कैसे रिसोर्स कंजर्व करते हैं, तो ये आपको कंजर्व करने का तरीका है। कंजर्व करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, एक्सप्लॉइट रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन नहीं करेंगे, मिस यूज नहीं करेंगे, ओवर यूज नहीं करेंगे, और रैशनल यूज करेंगे रिसोर्सेज का। तो ये आप अपने खुद से भी लिख सकते हो, अपने आंसर में आंसर बनाना चालू करो, क्वेश्चन आंसर करना चालू करो, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज का। फिर लैंड रिसोर्सेज, लैंड रिसोर्सेज में बहुत सारे टॉपिक्स है, लैंड यूटिलाइजेशन से, और उसके बाद सोयल है, सोयल रिसोर्सेज है, ओके। सपुक्ता यास्मिन नो, देखिए तो आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि कैसे रिसोर्स को कंजर्व करें, तो रिसोर्स को भी बताया कि कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स का तरीका क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है, तो आपको ये मालूम ही होगा। तो आपको क्या करना है, इसको नोट डाउन करना है अपने नोटबुक में, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग लैंड रिसोर्स क्या देखते हैं, लैंड रिसोर्स, दो चीज हमारे पास लैंड रिसोर्स, पूरे पृथ्वी के भौगोलिक क्षेत्र का 43% 43% क्या है,
प्लेन्स एरिया है, क्या ये तो प्लेन्स एरिया है? रिचा भारती, यू आर राइट, योर आंसर इज करेक्ट। 43% क्या है? प्लेन्स एरिया है। 30% जो है, 30% क्या है? माउंटेन्स, माउंटेन्स है। और फिर 27% क्या है? तो ये आपको है प्लेटूज। देखिए 43% मैं आपको दिखा रहा हूं ऊपर लैंड से, और यू नो विल लिव ऑन लैंड, और लैंड रिसोर्स इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट रिसोर्स अलोंग विथ ऑल रिसोर्स, सो वी मस्ट डिस्कस ऑन दिस टॉपिक लैंड रिसोर्स। तो सबसे पहले देखते हैं 43% जो है हमारे क्या है, लैंड राइट्स है, जहां पे लोग निवास करते हैं, जहां पर लोग रहते हैं। फिर 30% ये माउंटेनस रीजन माउंटेन कवर है, और 27% प्लेटूज। ठीक है, तो प्लान रीजन के अधिकांश को लोग रहना पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ पे सुविधाएं क्या है अधिक होती है, ट्रांसपोर्टेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, आवाजाही में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, इसलिए क्या है प्लेन सही होता है। नेक्स्ट ट्रेंड हम देखेंगे लैंड यूटिलाइजेशन। तो सबसे पहले क्या जानेंगे, देखिए आपको ये सारे स्ट्रक्चर आपको बनाने हैं, जितने भी सारे स्ट्रक्चर है वो सारे स्ट्रक्चर आपको बनाने हैं अपने नोटबुक में, जितने भी डायग्राम दिया हुआ है, जितने भी मैप दिया हुआ है, और सारे मैप को आपको क्या करना है उसको डायग्राम बनाना है, और जितने भी आपको फिगर है ज्योग्राफी का, जितने भी फिगर है डायग्राम के, आपको सबको बनाना है। A4 साइज पेपर ले लो आप, और उसके अलावा आप मैप ऑफ इंडिया ले लो, इंडिया के मैप पर बनाओ। आपने पहले ही काम कर लिया है, सही है, आपको क्वेश्चन आंसर करने की जरूरत है, आप क्वेश्चन आंसर कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए अधिक से अधिक, और उसको जानिए कि उसमें हमको करना क्या है। सर क्वेश्चन आंसर कर ली पर मैप के लिए बहुत अधिक कंसेप्ट जानने हैं। देखिए इसमें क्या होता है कि जितने बार आप स्टडी कीजिएगा उतने और कंसेप्ट डेवलप होंगे आप। ठीक है, लैंड यूटिलाइजेशन, देखिए लैंड यूटिलाइज फॉर वेरियस पर्पस। सबसे पहले हम लैंड को यूटिलाइज कैसे करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग रहने के लिए करते हैं, फॉरेस्ट का है, फिर हम लोग किसके पर्पस, एग्रीकल्चरल पर्पस, तो पर्पस है और आपको उसको देखना है। लेकिन उसमें भी हम देखेंगे कौन से लैंड जो है पेस्चर लैंड है, कौन वेस्ट लैंड है, और कौन बैरन लैंड है। तो उसमें आपको देख लेना है कि भारत के भौगोलिक जो क्षेत्र है उसमें कौन बैरन लैंड है। जैसे हम देख राजस्थान का जो पार्ट है उसको हम लोग, राजस्थान के जो हाफ पार्ट है उसको हम लोग बैरन लैंड बोलते हैं। वहां पे क्या है, वहां की जो भूमि जो है ना बंजर है। ठीक है, हैलो लैंड है, यहाँ पे भी क्या है वेस्ट लैंड है, बढ़ती भूमि है, अनकल्टिवेटेड एरियाज है। तो ये सब आपको देखना है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे सॉइल रिसोर्स पे, डायरेक्ट हम आते हैं सॉइल रिसोर्स पे और देखते हैं कि टाइप्स ऑफ सॉइल। आपको दो टॉपिक खुद से करने हैं, लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया एंड लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन। तो सब तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, फाइनल टॉपिक है, वह है सॉइल रिसोर्स। और सॉइल रिसोर्स में हम यह जानने का प्रयास करेंगे फ्रेंड्स टाइप्स ऑफ रिसोर्स एंड यू नो रिसोर्सेस कैटेगराइज इनटू डिफरेंट ग्रुप। फर्स्ट ऑफ ऑल एंड फर्स्ट कैटेगरी ऑफ सॉइल इज एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल, लेटराइट सॉइल, एरिड सॉइल एंड फॉरेस्ट सॉइल। इन सबके सॉइल का जो न्यूट्रिशंस है, जो भी इसमें कॉम्पोनेंट्स है उसको जानने का प्रयास करेंगे, और उस सॉइल में कौन से क्रॉप्स ग्रो करता है अच्छे तरीके से उसको हम जानेंगे। ठीक है, तो देखिए हमको दो सॉइल जो है ना ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें एक तो है हमारा एलुवियल सॉइल और दूसरा क्या है, दूसरा है ब्लैक सॉइल। और एलुवियल सॉइल सबसे पहले मैं बताऊंगा कि एलुवियल सॉइल इज वन ऑफ द मोस्ट
and most important and widest spread soil, which is most fertile soil in India. कैसे? देखिए इसमें फॉस्फोरिक एसिड होता है और इसी कारण इसमें इसकी जो प्रोडक्टिविटी होती है अधिक होती है, और इसमें धान की खेती अधिक होती है, गेहूं की भी खेती अधिक होती है और इसके साथ साथ गन्ने की भी खेती होती है। नेक्स्ट आप देखेंगे ब्लैक सॉइल, लेकिन आपको करना क्या है, इसको कैटेगरी वाइज पढ़ना है। आपको सबसे पहले इसमें देखना है कि कौन से क्रॉप उगते हैं और कहाँ पे है, किस रीजन में है। तो जो एलुवियल सॉइल है गंगा ब्रह्मपुत्र रीजन में पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, नाउ टाइम इज ओवर, सो वी मस्ट लेफ्ट। आपसे मैं उम्मीद करूंगा कि आप सारे लोग इसका क्वेश्चन आंसर करोगे। ठीक है, यू मस्ट यू ऑल हैव मैप ऑफ इंडिया। ठीक है, आप सबके पास होना चाहिए मैप ऑफ इंडिया। इसका क्वेश्चन आंसर कीजिए और सबसे ज्यादा फोकस डेवलपमेंट पे। सर नहीं है मैप अभी। क्या हुआ? तो मैप अभी, हाँ मैप आपके पास होना चाहिए। अभी मैप नहीं है, पर मैप नहीं है आपके पास अभी? मैप मेरे पास नहीं है। ओके कोई बात नहीं, मैप बना लो आप, मैप बनाना सीख जाओ। ओके सर, इंडिया का मैप बनाना सीख जाओ अपने से बना। थैंक यू ऑल फॉर द कोऑपरेशन, फॉर योर बेस्ट कोऑपरेशन। इसके बाद बाय।